मेरे प्रिय भाई और बहनों, कुछ दिन पहले आश्रम से कुछ दूर एक गांव गया हुआ था। पहली बार उस गांव में जा रहा हूं और पहली बार उस घर में जा रहा हूं। वो भाई काफी गदगद थे। उस भाई ने कहा, स्वामी जी आप जानते हैं, हम लोग इस सड़क के किनारे कई वर्षों से प्लास्टिक की झोपड़ी में रहते थे। उसने स्वयं दिखाया, मैं जाके बैठा उस झोपड़ी में। कहा कि हम लोग इसी झोपड़ी में रहते थे, हम और हमारे बच्चे, पत्नी और बच्चे। प्रभु की कृपा से हमें एक पक्का मकान बन गया है, मिल गया है, और हम चाहते हैं कि आप इसको आशीष दें। हम प्रभु को धन्यवाद देने के लिए आपको बुलाए हैं। उस भाई और उसकी पत्नी ने बहुत सारे पड़ोसियों को भी बुलाया था, और वे भी उस प्रार्थना में भाग लेने के लिए आए हुए थे। काफी अच्छी संख्या थी, जितना घर था पूरा भरा हुआ था। आस पड़ोस के लोगों को बुलाया गया था, वे भी बड़ी भक्ति के साथ, श्रद्धा के साथ वचन सुन रहे थे, प्रार्थना में भाग ले रहे थे। प्रभु ने हमें जो कृपाएं दी हैं, जो वरदान दिए हैं, उनको हमें दूसरों के सामने रखना अनिवार्य है। प्रभु हमारे स्वार्थ की पूर्ति के लिए कुछ नहीं देते हैं। प्रभु हमें जो कुछ देते हैं, प्रभु चाहते हैं कि हम उसको बांटें, उसके द्वारा प्रभु की महिमा करें। हमें प्रभु कृपाएं देते हैं, वरदान देते हैं, चंगाई देते हैं। एक एक वरदान के द्वारा प्रभु हमें ये आदेश देते हैं कि बांटो। हमें मार्कुस के सुसमाचार के अध्याय 5 में एक बहुत जबरदस्त उदाहरण मिलता है। वहां पर हमें एक अबदूत ग्रस्त के बारे में पढ़ने को मिलता है, जो खूंखार था, डरावना था, लोग उसको देखने तक नहीं चाहते थे। उसके बारे में वर्णन दिया गया कि वो मकबरों में रहा करता था, कब्रिस्तान में रहा करता था, कपड़ा नहीं पहनता था, पत्थरों से अपने आप को चोट पहुंचाता था, चीखता चिल्लाता था, कोई भी उसको वश में नहीं कर पाता था। जंजीरों और बेड़ियों को वो तोड़ डालता था, टुकड़े टुकड़े कर देता था। एक ऐसा अबदूतग्रस्त इंसान, और प्रभु यीशु उसको छुटकारा देने के लिए गलीलिया झील पार करके वहां पे आते हैं। प्रभु ने उसको छुटकारा दिया। छुटकारा देने के बाद वचन में लिखा हुआ कि शांत भाव से कपड़ा पहनकर बैठा हुआ था। जब प्रभु यीशु उसके बाद उठकर अपने शिष्यों के साथ नाव में चढ़ने लगे, तो वचन में लिखा हुआ है, उसने उस अबदूत ग्रस्त ने बड़े आग्रह के साथ ये प्रार्थना की, मुझे अपने पास रहने दीजिए। अबदूत ग्रस्त ने प्रभु से कहा कि मुझे अपने पास रहने दीजिए। उसकी प्रार्थना स्वीकार करते हुए ईसा ने कहा, क्या कहा? अपने लोगों के पास, अपने घर जाओ और उन्हें बता दो कि प्रभु ने तुम्हारे लिए क्या क्या किया है और तुम पर किस तरह कृपा की है। प्रभु ने कहा, मेरे साथ नहीं रहना, तुम अपने लोगों के पास जाना, अपने घर जाना, और लोगों से कहना कि प्रभु ने तुम पर कैसे दया दिखाई है और तुम्हारे लिए क्या किया है। सुसमाचार में हम पढ़ते हैं कि वो अपने घर गया, न केवल अपने लोगों को बताया, बल्कि पूरे देकापोलिस, एक प्रांत है, बहुत बड़ा प्रदेश है, वहां पर घूम घूम कर लोगों को बताने लगा कि मैं क्या था, कैसा था, और यीशु मसीह ने मेरे लिए क्या किया है। सुनने वाले विस्मित रह गए। प्रभु हमारे जीवन में जो भी चमत्कार और चिन्ह प्रकट करते हैं, हमें भी प्रभु यही आदेश देते हैं। हर चंगाई के साथ ये आदेश भी है, हर छुटकारे के साथ ये आदेश भी है कि अपने घर जाकर लोगों को बताओ कि प्रभु ने तुम्हें
क्या दिया है, तुम्हारे लिए क्या किया है। कहा जाता है ज्ञान बांटने से बढ़ता है, प्रेम बांटने से बढ़ता है, शांति बांटने से बढ़ती है। और उसी तरह आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि विश्वास भी बांटने से बढ़ता है, विश्वास भी बांटने से बढ़ता है। मैं कई ऐसे मसीही और विश्वासी परिवारों को जानता हूं जो पहले बहुत उत्साही थे, प्रभु के पास दौड़ के आते थे, बहुत सारी कृपाएं पाए, लेकिन उनकी गति धीमी हो गई और धीरे धीरे उनके जीवन में प्रगति रुक गई। ऐसा क्यों? क्योंकि प्रभु ने उनको जो दिया था वे बांटना भूल गए। उन्होंने सोचा प्रभु जो कुछ देते हैं मेरे लिए देते हैं, हमारे लिए देते हैं। प्रभु चाहते हैं कि आप दूसरों के लिए भी कृपा के माध्यम बने। आपने कृपा का एहसास किया, आप जाकर दूसरों को बताएं और दूसरों के लिए आप ईश्वर की कृपा के माध्यम बने। छोटा सा उदाहरण लीजिए, जो पानी ठहरा रहता है, कभी बहता नहीं है, उसको क्या हो जाता है? वो सड़ने लगता है, वो पानी सड़ने लगता है। कई विश्वासी और मसीहों के जीवन में और परिवारों में प्रगति रुकी हुई है क्योंकि वे अपने विश्वास को बांटते नहीं हैं, दूसरों के लिए कृपा के माध्यम नहीं बनते हैं। हमें यौहन के सुसमाचार के अध्याय एक उसके वाक्य 35 से पढ़ने को मिलता है। एक बार यौहन बपतिस्ता अपने दो शिष्यों के साथ खड़े थे और उस समय प्रभु यीशु मसीह वहां से गुजर रहे थे। प्रभु यीशु मसीह को देखते हुए यौहन बपतिस्ता ने अपने दोनों शिष्यों से कहा, देखो ईश्वर का मेमना, देखो ईश्वर का मेमना जो संसार का पाप उठा ले जाता है। दोनों शिष्य इस बात से बहुत आकर्षित हुए और उन्होंने सोचा कि हम जाके देखें, और वे यौहन बपतिस्ता को छोड़कर यीशु के पीछे हो लिए। कुछ दूरी के बाद यीशु ने मुड़कर देखा कि दो युवक मेरे पीछे पीछे चले आ रहे हैं। यीशु ने मुड़कर पूछा, तुम क्या चाहते हो, क्या ढूंढ रहे हो? उन्होंने पूछा कि गुरुवर आप कहाँ रहते हैं? प्रभु ने कहा आओ और देखो। शिष्य गए और उनके साथ वो दिन बिताए। उनमें से एक का नाम था अंद्रेस। यौहन अध्याय एक वाक्य 41 में लिखा हुआ है, सुबह अंद्रेस सीधे अपने भाई सीमोन के पास जाता है और कहता है, हमें मसीह मिल गए हैं। और सीमोन को भी यीशु के पास लेके आता है। वे दोनों यीशु के शिष्य बन जाते हैं। जब आपको कोई कीमती चीज, अच्छी चीज मिल जाती है, अच्छे व्यक्ति से मुलाकात होती है, अच्छी परिस्थिति मिलती है, तो आप क्या करेंगे? आप तुरंत अपने प्रिय लोगों को उसके बारे में बताएंगे। मेरे एक मित्र थे, वो बोला करते थे, बाप खाए पेठा याद आए बेटा। यानी बाप कोई भी अच्छी चीज खाता है तुरंत बेटा याद आता है। हमारे जीवन में कोई भी अच्छा काम होता है, अच्छी चीज मिलती है, अच्छे लोगों से मुलाकात होती है, तुरंत हमें अपने प्रिय लोग याद आते हैं। इसी तरह यौहन के सुसमाचार के अध्याय एक वाक्य 45 में आप पढ़ेंगे फिलिप के बारे में। फिलिप भी बैतसैदा का रहने वाला था। फिलिप ने यीशु से मिलने के बाद क्या किया? वो सीधे अपने मित्र, अपने दोस्त नथानाएल के पास गया और उससे कहा कि हमें मसीह मिल गया है जिसके विषय में मूसा ने अपने ग्रंथों में लिखा है, और नथानाएल को भी यीशु के पास लेके आता है।
नथनेल भी यीशु के शिष्य बन जाता है। जिसने सुसमाचार सुना है वो चुप नहीं रह सकता है, जिसने सुसमाचार सुना है वो चुप नहीं रह सकता है। अगर आपके जीवन में सुसमाचार, कोई भी अच्छा समाचार आपको सुनने को मिलता है तो आपके जाके आप जाके सबको बताएंगे। मान लीजिए आपके भाई बहन या बेटे को या बेटी को कोई खास नौकरी मिल जाती है जिसके द्वारा बहुत बड़ी आय होती है, या विदेश में नौकरी मिल जाती है, तो आप जाके आस पड़ोस में सबको बताएंगे। तो सुसमाचार सुनने के बाद कोई चुप नहीं रह सकता है। प्रेरित चरित्र के अध्याय 4:20 में जब प्रभु यीशु के नाम पर शिष्य बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार प्रकट करने लगे तो धर्म गुरुओं ने उनको बुलाया और उनको डांटा फटकारा और उनको आदेश दिया कि तुम यीशु नाजरे के नाम पर कुछ भी काम इस तरह नहीं करोगे। प्रेरित चरित्र अध्याय 4:20 में आप पढ़ेंगे, पेत्रुस ने उनसे एक सवाल किया, आप ये बताइए क्या हम आपकी आज्ञा का पालन करें या ईश्वर की आज्ञा का पालन करें? और आगे पेत्रुस ने क्या कहा, हमने जो देखा है और सुना है उसके विषय में ना कहना हमारे लिए असंभव है। हमने जो देखा है और सुना है उसके विषय में ना कहना हमारे लिए असंभव है। हमें यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 4 में पढ़ने को मिलता है एक नारी के बारे में। हम उसका नाम नहीं जानते हैं लेकिन उसको हम समारी स्त्री कहते हैं क्योंकि वो रहने वाली समारिया की थी। उसके विषय में बताया गया है सुसमाचार में, प्रभु यीशु स्वयं कहते हैं कि उसके 5 पति थे और जिस पुरुष के साथ वो अब रह रही थी वो उसका पति नहीं था। एक ऐसी नारी जो दोपहर के समय पानी भरने के लिए याकूब के कुएं के पास आती है, उसका मुक्तिदाता, उसका उद्धार करता यीशु उसके इंतजार में कुएं के पास बैठे हुए थे। नारी ने कभी नहीं सोचा था कि उस दोपहर के समय वहां पर कोई इंसान मिलेगा, इसीलिए वो दोपहर को आई थी। लेकिन यीशु उसके इंतजार में बैठे हुए थे, यीशु का उसके साथ वार्तालाप होता है। धीरे धीरे वो नारी यीशु को पहचान लेती है। सबसे पहले कहा, आप यहूदी हैं। उसके बाद उसने कहा, लगता है आप एक नबी हैं। अंत में उसको इस बात का एहसास होता है कि ये मसीहा हैं। वचन में यूहन लिखते हैं कि उसने अपने घड़े को वहीं छोड़ दिया और वो नगर में चली गई जहां से वो आती थी, जाकर लोगों से कहा कि आओ देखो उस व्यक्ति को जिसने मुझे वो सब बता दिया है जो मैंने किया है। यूहन्ना अध्याय 4:29, 39 में लिखा हुआ है, उसने कहा कि उसने मुझे वो सब बता दिया जो मैंने किया। यह सुनकर लोगों ने यीशु पर विश्वास किया। वो नारी चुप नहीं रह पाई। उसने नहीं सोचा कि मैं पानी भर के चली जाऊंगी। उसने अपने घड़े को वहीं छोड़ दिया और गांव अपने नगर में दौड़ के गई, कहा कि आकर देखिए उस व्यक्ति को जिसने मुझे वो सब बता दिया जो मैंने किया है। सारी जनता नगर छोड़कर यीशु को देखने के लिए चली आई। उन्होंने विश्वास किया क्योंकि उस नारी ने कहा कि उसने वो सब बताया जो मैंने किया है। आगे 42 में आप पढ़ेंगे, यूहन्ना अध्याय 4:42 में लोगों ने नारी से कहा, अब हम इसलिए विश्वास नहीं करते हैं क्योंकि तुमने कहा है, बल्कि हमने स्वयं सुन लिया है। और उन्होंने यीशु को अपने गांव में आमंत्रित किया। जिसने सुसमाचार सुना है वो चुप नहीं रह सकता है। आज हम विश्वासियों और मसीहियों में सुसमाचार बांटने के लिए उत्साह की कमी है तो उसका मुख्य कारण यह है, हमने ना तो देखा है ना तो सुना है।
यीशु के देखने और सुनने वाले, यीशु के चमत्कारों और चिन्हों को देखने और अनुभव करने वाले कभी भी चुप नहीं रह सकते हैं। पौलुस को सुनिए, पौलुस क्या कहते हैं। कुरिन्थियों के पहले पत्र के अध्याय 9 में पौलुस क्या कहते हैं, वाक्य 16 में पौलुस कहते हैं, मैं इस बात पर गौरव नहीं करता कि मैं सुसमाचार का प्रचार करता हूँ, मुझे तो ऐसा करने का आदेश दिया गया है, धिकार मुझे यदि मैं सुसमाचार का प्रचार ना करूं। ये वही पौलुस है जो यीशु के शिष्यों पर अत्याचार किया करता था, घोर अत्याचार किया करता था, लेकिन यीशु से मिलने के बाद उसका जीवन बदल जाता है। वो अपने आप को चुप नहीं करा सकता है। वो कहता है कि यदि मैं सुसमाचार का प्रचार करता हूं, इसके लिए मैं घमंड नहीं करूंगा, मुझे तो आदेश दिया गया है। ऊपर से पौलुस क्या कहते हैं, धिक्कार मुझे यदि मैं सुसमाचार ना सुनाऊं, धिक्कार मुझे यदि मैं यीशु का सुसमाचार ना सुनाऊं। अंग्रेजी के यरूशलेम बाइबल में लिखा हुआ है, I must be in trouble if I do not proclaim the gospel। यानी यदि मैं सुसमाचार की घोषणा ना करूं तो मैं परेशानी में होऊंगा। यदि मैं सुसमाचार की घोषणा ना करूं तो मैं परेशानी में होऊंगा। कई विश्वासी और मसीही लोग इसलिए परेशान हैं, उनके परिवार में परेशानियां हैं, क्योंकि उन्होंने जो प्रभु से पाया है उसका प्रचार और प्रसार वे करने को तैयार नहीं है, तत्पर नहीं है। पौलुस कहते हैं, धिक्कार मुझे यदि मैं यीशु मसीह का सुसमाचार का प्रचार ना करूं, उसकी घोषणा करूं ना करूं। मेरे जीवन में परेशानियां आएंगी। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमने जो सुसमाचार पाया है वो हम तक सीमित रखने के लिए नहीं है, वो बांटने के लिए है। आप कैसे बांटिएगा ये आपके ऊपर निर्भर है। अलग अलग रूप से आप बांट सकते हैं, छोटे छोटे रूपों में आप बांट सकते हैं। अब देखिए, मैं इस मीडिया के द्वारा आपको सुसमाचार सुना रहा हूं, आप नहीं कर पाएंगे शायद, लेकिन आप प्रार्थना कर सकते हैं। आप सुसमाचार की घोषणा और प्रसार के लिए धन दे सकते हैं। आप पत्रिकाएं वितरित कर सकते हैं, बाइबल वितरित कर सकते हैं। जानते हैं कितने लोग इसके द्वारा आशीष पाएंगे, आशीषित हो जाएंगे, और कितने लोग यीशु को जानेंगे और यीशु के द्वारा कृपाएं प्राप्त करेंगे, बंधनों से आजादी प्राप्त करेंगे। मैं आपके सामने बहुत सारे उदाहरण रख सकता हूं, लेकिन अभी समय का अभाव है। प्रभु चाहते हैं कि जो सुसमाचार हमने सुना है हम उसके साक्षी बने। हम यीशु के साक्षी बनने के लिए बुलाए गए हैं। हर मसीही, हर विश्वासी यीशु का साक्षी है। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, धन्यवाद देते हैं क्योंकि तूने हमें सुसमाचार सुनने का अवसर दिया। धन्यवाद देते हैं क्योंकि तेरे अनुग्रह और आशीषों को देखने और अनुभव करने का तूने अवसर दिया। प्रभु यीशु, मैं जानता हूं कि मेरे जीवन में और मेरे परिवार के जीवन में तेरी ढेर सारी आशीषें आई हैं। मैं ये भी जानता हूं कि तेरे आशीर्वादों को ग्रहण करने के बाद कभी कभी मैं चुप रह जाता हूं, उसके बारे में दूसरों को बताता नहीं हूं ताकि वे भी प्राप्त करें। जिस तरह संत फ्रांसिस ने प्रार्थना की, प्रभु मैं भी प्रार्थना करना चाहता हूं, मुझे शांति का संवाहक बना, मुझे तेरा संवाहक बना, तेरी संवाहिका बना। मैंने जो पाया मैं दूसरों में वितरित कर सकूं, जो कृपाएं प्राप्त की उनके उसके बारे में दूसरों को साक्ष्य दे सकूं, जिससे हजारों हजारों लोग तेरे पास आए, तेरी कृपा में शामिल हो जाएं, तेरे सुसमाचार को जान सके, अंधकार से प्रकाश की ओर, असत्य से सत्य की ओर, और मृत्यु से अमरता की ओर आ सके। आमीन।